हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। सीईटी मेंस एग्ज़ाम स्टार्ट है 1 जुलाई और 2 जुलाई को। पहला पेपर है आपका, उसके बाद में 8 और 9 को पेपर है, उसके बाद में लगातार हर शनिवार रविवार को पेपर होने जा रहा है। तो 4 गुणा में होने का मैसेज आना स्टार्ट हो गया है। देखिए कैसा आया मैसेज। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके के मैसेज आ रहे हैं 4 गुणा में होने के, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी दर्शिता वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। सीईटी मेंस के लिए जो 56 और 57 के लिए हमने बैच निकाला था, जिसकी फ़ीस 2198 थी, अब वो बैच कंप्लीट हो चुका है। पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपये में। हाँ जी, पहले इसकी फ़ीस 2200 रुपये थी, अब आपको 999 रुपये में ये बैच मिल रहा है। KTDT ऐप पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं जी मैसेज के ऊपर। तो एक भाई ने ये शेयर किया मेरे पास, उसके पास अभी आया है 9:44 पे ही, और यहाँ पे देखिए 21 जून का ये मैसेज है। क्या कहा गया है? डियर कैंडिडेट, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड टू अपीयर इन रिटर्न एग्ज़ाम ऑफ ग्रुप सी फॉर ग्रुप नंबर 22। तो इस भाई का जो एडमिट कार्ड मतलब मैसेज आया है, ये ग्रुप नंबर 22 के लिए आया है, और ये अपना जो एडमिट कार्ड है 28/6/2023 से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास भी ये मैसेज आ जाएगा यदि आप 4 गुणा में होंगे तो। इसीलिए इस मैसेज के चक्कर में ही, इस मैसेज का वेट ना करना पड़े, इसीलिए सीईटी क्वालिफाई के ऊपर सभी लोग प्रयास करें, ताकि सभी लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएं। आपकी जो भी राय है, थिंकिंग, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे सवाल तो एक खड़ा हो जाता है, जो भर्तियों के ऊपर फेयरनेस बताई जा रही कि फेयर तरीके से, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़ा करता है युवा के मन में, कि अब कहीं ना कहीं सगे संबंधियों का नाम यहाँ पे लिया जा सकता है। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।